कि खालिस्तानिया ने हिट लिस्ट तैयार की है जिस दे विच 6 तो 7 नाम यहोजे ने जिन्हों किसी भी समा टारगेट किया जा सकता है और इस हिट लिस्ट च थोड़ा भी ना जड़ा शामिल है। 5-10 हज़ार फोन जड़े आ वो मैं घट तो घट ब्लॉक लिस्ट पा चुका हाँ विदेशों के। फोन कितों कितों आ रहे हैं, कड़ी कड़ी कंट्रिया तो फोन आ रहे हैं? सब तो आ रहे आस्ट्रेलिया, कनेडा, US, पाकिस्तान और बाकी जिन् जगह सब तो आए हैं। धमकियां तो वो सीधी ही देंगे ने, तो मैं भी अगले सीधा कह दिना, वो कहें तेरे गोली मारा, मैं कह दिना भाई आ जाओ तुम कि स्टील के बने हो। हिंसक घटना नाल उन्हां दा कोई ताल्लुक नहीं है, ना ही किसी भी हिंसक घटना नूं ओह कहिंदे ने करन लई भी कोई हिंसक घटना, ओह कहिंदे शांतिपूर्वक धरना कर रहे हैं, शांतिपूर्वक रहूगी। तुहाडे तां चरण लैणे पैणगे मैनूं। आ डल्लेवाल सिद्धूपुर दा प्रधान आ, किसान यूनियन सिद्धूपुर, ये 40 संगठनां च इक महत्वपूर्ण हिस्सा। इहने की कीता कि जिहड़ियां ने अटैक कीता उन्हां नूं क्यों फड़िया गया, छड्डो, यही होया ना, ते ओह क्रिमिनल है जां नहीं है। और इस तरह ही अगराहा जो कहता हाँ कपड़े फाड़ा करा, मैं फिर कहा मैं भाई साढ़े वाले एक उंगल कर जाओ, थोड़े वाले भी तरने हो जाने, थोड़े भी कपड़े तरने, तुम देखो सही। BJP ने फैसला जोड़ा है कि दलित मुख्यमंत्री होगा, तो दलित समाज ने अपने आप ही साड़ी सरकार ले आनी है। 33% जिहड़ी पंजाब दी दलित वोट है उसनू अपने झोली दे विच पाण लई BJP दलित कार्ड खेडदी नजर आ रही है। भाजपा और RSS के आगुआ की गल कर लैने, एक बार फिर तो उन्होंने सुरक्षा के उपर सवाल उठने शुरू हो चुके ने। कहा जा रहा है कि खालिस्तानिया ने एक हिट लिस्ट तैयार की है जिस दे विच कुछ गिणवे ना है भाजपा आगुआ दे जिन्हों के उपर किसी भी समा हमला हो सकता, और इसनों लैके केंद्र ने भी पंजाब नू चिट्ठी लिखी है कि इन आगुआ की सुरक्षा जिहड़ी है उसनू होर ज़्यादा पुख्ता किया जाए। हरजीत ग्रेवाल भाजपा आगू साडे नाल ने गलबात कर रहे हैं। ग्रेवाल साहब, एक बार फिर तो भाजपा आगुआ की सुरक्षा से सवाल उठने शुरू हो गए। कहा जा रहा है कि खालिस्तानिया ने हिट लिस्ट तैयार की है जिस दे विच 6 तो 7 नाम यहोजे ने जिन्हों किसी भी समा टारगेट किया जा सकता है और इस हिट लिस्ट च थोड़ा भी ना जड़ा शामिल है। हाँ, और मीडिया च मैं भी देखिया, बाकी मेरे नाल तां ज्यादा ही प्यार करते हैं कुछ लोग, और कुछ इन्होंने कुछ तो धमकियां आउंदियां इन्हें, ठीक आ। मैं 5-10 हज़ार फोन जड़े आ वो मैं घट तो घट ब्लॉक लिस्ट पा चुके हैं विदेशों के, मगर वो नालों भी ज़्यादा ये आ कि ये लोग जान बुझ के डिमोरलाइज करने भी यह जे काम करते हैं, और ये योजना नाल किसाना जिहड़े किसान लीडर ने माओवादियों की भी यह टेक्नीक होंदी है कामरेडां दी, उन्होंने 80 लाख रुपया दे के बंदे बिठा रखे आ सोशल मीडिया लई, और इस तरह अकाली दल ने भी बिठा रखे, आम आदमी पार्टी ने भी और कांग्रेस ने भी। और दूसरा की है कि ये कांग्रेस का भी बहुत बड़ा बरद हस्ता पंजाब सरकार का भी कि वह राजनीतिक आतंकवाद फैला रहे हैं और गुंडा गिरोहों बरद हस्त देंदे आ, तो कार्रवाई नहीं होंगी, नहीं तो इन्हों की कोई ताकत नहीं है। पंजाब पुलिस ने पहला आतंकवाद खत्म नहीं किया, पंजाब पुलिस सक्षम आ, पर पंजाब पुलिस वाले सानू ऑफिसर आप कहें कि साढ़े तो हथ बन्ने हुए, और मैं ये कैप्टन अमरिंदर सिंह प्रार्थना करदा कि तुसीं तां दुबारा सत्ता च नहीं आना, पर तुसीं पंजाब दे हालात खराब करके ना जाओ, ये कोई अच्छी परंपरा नहीं तुसीं पा रहे, और ये कांग्रेस ने तो कांग्रेस मुक्त पंजाब होना ही है, क्योंकि जिहो जिहे तुहाडे कर्म ने उहदे नाल हो जाना, और तुसीं कोई भी वादा नहीं पूरा किया, कुछ नहीं किया, उस तो बचण दे लई तुसीं ये जिहड़ा साडे ते हमले कराउणे शुरू करते, साडे वर्करां नूं आतंकित करना शुरू करता, तो राजनीतिक आतंकवाद नूं बरद हस्त देता, तो ये बहुत गुनाह कर रहे हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह, ये नहीं होना चाहिए। तुसीं कह रहे हो धमकियां आ रही ने, कई फोन नंबर तुसीं ब्लॉक कर चुके हो, किस तरह की धमकियां ने, की कहिंदे ने वो लोग, और क्या कोई लैटर लूटर भी आया थोड़े कोल धमकी भरिया जिस तों बाद केंद्र नूं इस तरह के स्टैप लैने पए ने? नहीं, मैं तो कदे भी कोई रिक्वेस्ट नहीं की सिक्योरिटी वास्ते, ना कुछ दसिया। हाँ, DGP साहब ने मैं कहा कि सानू भेज दिया करो जो कोई आता, तो वो मैं बहुत घट उन्होंने भेजे आ सरकार नू कि भी आह आ रहा, तो वो धमकियां तो वो सीधी ही देंगे ने, तो मैं भी अगले सीधा कह दिना, वो कहें तेरे गोली मारा, मैं कह दिना भाई आ जाओ तुम कि स्टील के बने हो, तो ना मैं स्टील का बनया ना तुम बने हो, जो मौका आऊगा आमने सामने फिर देखा। ना जिंदगी 4 दिन की है जी, हैगी शान नाल जीनी चाहिए है, डर के नहीं जीनी चाहिए, मैं तो इस गल तो घबरा नहीं है, तो जो गुरु का सिख है वह कदम घबरा नहीं है,
और ये गुंडे बदमाश जिहड़े इन्हां दे ये चंद दिनां दे हुंदे आ, मेहमान ज़्यादा नहीं हुंदे। इस करके बीजेपी जिहड़ी आ उह कदे वी इन्हां चीज़ां तों डरदी नहीं है। कुछ लोग जान लैण नूं फिरदे आ, पंजाब दी एकता अखंडता शांति देश दी एकता अखंडता भाईचारक सांझ नूं खत्म करन दे लई, और कुछ लोग जान देण नूं फिरदे आ, उह भारतीय जनता पार्टी दे लोग ने जिहड़े देश दी एकता अखंडता लई पंजाब दी भाईचारक सांझ लई ते शांति लई, इह फर्क आ साडे ते उहनां दी सोच, ते उह जान लैण नूं तुरे फिरदे आ। इस करके इस वेले कम्युनिस्ट अपनी होंद दी लड़ाई लड़ रहे आ, और उन्हां दा तां खत्म ही हो गए सी इत्थों, उन्हां नूं मौका मिल गया, किसान दा मोढा लभ गया, किसान भोला भाला उहनूं गुमराह कर रहे आ, नहीं तां गल्लां तां सारियां ही उहनां दीआं मन्नणियां सी। आ हैगा पाकिस्तान और दूसरे जगह दे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन दे, और बाकी होर उन्होंने अपनी सूचनावां ने, मैं किसी नाल गल भी नहीं की, मैं नहीं कहा कि सिक्योरिटी बधाओ जां घटाओ, ये सरकार का काम देखना कि की करना उन्होंने की नहीं करना, मैं नहीं कदे इन गल्लां च पिंदा हुंदा, अज तक नहीं पिया। क्या जानकारी मिल पाई है किस तरह के मैसेज जिहड़े ने इंटरसैप्ट कीते ने, किहड़े किहड़े लीडर्स नूं टारगेट करन दी योजना बनती नजर आ रही सी? नहीं, वह तो उन्होंने नाम दे ही दिते, सत लीडर के नाम दिते ने, कल जो चल रहे थे तरुण चुग जी ने, साडे ऑल इंडिया जनरल सैकटरी ने अश्विनी शर्मा जी ने, ते मेरा भी नाम उहदे च हैगा, होर भी चार पंज लोगों के नाम ने, ते उहदे च साडे RSS दे दो पूर्व संघ चालक प्रांत दे अज दे संघ चालक, उन्हां सब दे नाम ने, उह तुसीं सारयां ने देखे, कोई गुप्त गल तां है नहीं गी, ते मैं उहदी कोई जानकारी नहीं लई है की है की नहीं है, और मैं समझदा कि सारियां चीज़ां पंजाब दे हालात बिगाड़न दे लई, देश दे हालात माहौल खराब करन दे लई हैगियां ने। ग्रेवा साहब, पहला भी एक समा वेखण नूं मिलिया सी टारगेट किलिंग पंजाब दे विच होंदी होई नजर आई सी, कई हिंदू लीडरां नूं निशाना बनाया गया सी, क्या तुहानूं लगदा चोण आने वाले हैं, वह भी समा इहो जिही सी जदों चोण आने वाले सी, हुण भी चोण आने वाले हैं, इसी करके पंजाब दे विच एक बार फिर तो जिहड़ी लॉ एंड ऑर्डर दी सिचुएशन है उसनूं खराब करन दी कोशिश हो सकती है, इस तरह दे जिहड़े मैसेज तुहानूं आ रहे ने और जिस तरह दी गल्लां निकल के सामने आईआं ने? नहीं, ये तो कांग्रेस की हमेशा ही साजिशां रहियां ने कि लोगों नूं आपस च लड़ा के सत्ता लैनी, तो भिंडरां वाले दे टाइम ते भी बाकी समय ते भी ये जिहड़ा सारा कुछ सी क्रिएशन कांग्रेस की सी, और कांग्रेस ने ही फिर ढह ढेरी करते सारियां सिख संस्थावां ते हमले किए, श्री दरबार साहब ते हमला किया गया, तो इस तरह के नुकसान पहुँचाए गए, और हज़ारों की तादाद च हिंदू भी सिख भी साडी जवानी जिहड़ी आ उन्होंने मार मुकाया इन्होंने, और ये कसूर जिहड़ा सी उस वेले भी कांग्रेस का ही सी, ते हुण भी कांग्रेस ही वह गुनाह कर रही है सत्ता पाउण दे लई, ते मैं कहना कि ऐसा ना करना, यानी माहौल खराब करने की कोशिश खुद कांग्रेस कर रही है जबकि सूबे दे विच कांग्रेस की सरकार है। बिल्कुल बिल्कुल कर रही है, क्योंकि वह जा रहे हैं, उन्होंने भी पता वो किसी उन्होंने कोई परफॉर्मेंस नहीं की है, तो जो परफॉर्म नहीं कर पाए तो किसी वादे को पूरा नहीं कर पाए, तो हुण सोचदे लोगों का ध्यान किदां भटकाइए तो वोट किदां लईए, उन्होंने वोट तो मिलने नहीं है पर वो सूबे का नुकसान करेंगे। बहुत बड़ा मैं पहला भी पूछा थोनू फोन कितों कितों आ रहे हैं, केड़ी केड़ी कंट्रियां तो फोन आ रहे हैं? सब तो आ रहे हैं आस्ट्रेलिया, कनेडा, US, पाकिस्तान और बाकी जिन्नियां जगह सब तो आए ने, हुण मैं उहदे च की दसना हैगा की करना हैगा, मैं कोई इन्हां गल्लां तो घबराउंदा नहीं हैगा, मैं तो अपना काम कर रहा, मैं अपनी पार्टी का काम कर रहा, संगठन का काम कर रहा, मैनूं मेरे कोई किसी नाल दुश्मनी थोड़ा हैगी है, तो जिन्हों मेरे नाल हैगी है कढ लवे, कोई ऐसी गल नहीं है। किसानियां दे संघर्ष नूं लैके तुहाडे बयान, क्या उस लई तुहानूं टारगेट कीता जा रहा है? नहीं, कल उस लई नहीं किया जा रहा, मैं सिख हैगा, BJP दे विच हैगा बहुत लंबे समय तो, 32 साल तो भी ज़्यादा समा हो गया मैनूं, तो मैं अलग अलग संस्थावां च काम करदा, इस करके भी किया जाता डिमोरलाइज करन दे लई, क्योंकि इहनूं किसान अंदोलन नूं भी सिख अंदोलन बनाउण दी तैयारी सीगे जिहड़े सूबे दे हालात खराब करना चाहुंदे सी, इस करके भी मैनूं ज़्यादा निशाना बनाया गया क्योंकि मैं अपनी पार्टी की गल रखता सी, तो यह सीगा, होर कोई गल नहीं। कामरेडा का जिक्र किया, किसान का जिक्र किया, उन्हों का की लेना देना, क्योंकि वह तो सीधे तौर पर कहते हैं किसी भी हिंसक घटना उन्हों का कोई तालुक नहीं है, ना ही किसी भी हिंसक घटना
कहें करने भी कोई हिंसक घटना वो कहें शांतिपूर्वक धरना कर रहे हैं शांतिपूर्वक रहूगी थोड़े तो चरण लेने पैणगे मैनू भरा जी जिहड़ा मलोट के अंदर होया साडे मॉब लिंचिंग हुई और अटैक किया गया तो उहदे च की होया बाद च आ डल्लेवाल सिद्धूपुर का प्रधान आ किसान यूनियन सिद्धूपुर ये 40 संगठनों च एक महत्वपूर्ण हिस्सा हो इन्हें की किया कि जिन्होंने अटैक किया उन्होंने क्यों फड़िया गया छड्डो यही होया ना तो वह क्रिमिनल है या नहीं है ये किसान लीडर कराउंदे है या नहीं कराउंदे किसान नहीं करता किसान लीडर कराउंदे है जानबूझ के कराउंदे आतंक फैला रहे हैं और ये माओवादियों का तो कम्यूनिस्टा का कम ही होंगे जिथे झंडा ला देन मेरे वीर वो फैक्ट्री बंद कराए बिना नहीं जाते किसान का नुकसान करके जाना इन्होंने अंदोलन का भी नुकसान करना तो इस करके वो कोई इन्होंने 40 किसान संगठन ने डल्लेवाल को पूछा कि भी की करना यह क्यों किया तो इस तरह ही रुद्दू सिंह मानसा साफ कहता और इस तरह ही उगराह जो कहता हाँ कपड़े फाड़ांगे करांगे मैं फिर कहा मैं भाई साढ़े वाले कुंगल कर दो थोड़े वाल भी तन्न हो जाने थोड़े भी कपड़े उतरने तुम देखियो सही एक किसान ने ही उतारने इन्हों के कपड़े क्योंकि गुमराह कर रहे हैं ये सूबे के हालात खराब कर रहे हैं किसान का नुकसान कर रहे हैं ये सारिया गल्लां इन्हां दियां मन लिया मैं किसान जिहड़े सधारण किसान ने उन्होंने कहना कि भराओ तुसीं अद्धा घंटा पहला एग्रीकल्चर मिनिस्टर साढ़े नरेंद्र सिंह तोमर नूं फोन कर दिओ लीडरशिप इन्हां दी बदलो ते तुसी नवीं लीडरशिप लैके आओ जिहड़ी किसान हितू होवे इह पार्टियां दे सियासी हितां तों प्रेरित लोगां तों दूर हो जाओ ते अपना किसान दा हित करवाओ थोड़ियां सारियां गल्लां सरकार मन्नण नूं तैयार आ जे किते कोई दिक्कत होवे तां मेरे नाल सीधा संपर्क कर लो मैं तां बहुत छोटा जिहा आदमी हां पर यह उगराहां वगैरह की तरह इन्हां दे जिन्ने भी हैगे ने रुद्दू सिंह कामरेडां दी तरह चालबाज नहीं हैगे असीं स्पष्ट गल कर रहे तुहाडी गरारी घुम के कांग्रेस जिहड़े कह सकदे आ कांग्रेस या फिर जिहड़े किसान लीडर इन्हां ते क्यों आंदी है किसान लीडर ते इन्हां ने नुकसान किया अज भी तीन चार किसान लीडर नाल गल हुई वह कह लगे जिहड़े कामरेड ने चार पांच छे संगठन यही नहीं साडा फैसला हुण दे तां सब तैयार हैं ये तो कहिंदे आ कि असीं 2024 तक बैठना इन्हां दी लड़ाई तो मोदी का चेहरा खराब करने वाला इन्हां दी लड़ाई बीजेपी का सरकार का चेहरा खराब करना इन्हां दा किसान हित करन दा थोड़ा है मैं तो बोलदा हुण जोगिंदर यादव का की लेना देना किसानों नाल कविता का की लेना देना आंध्र वाली का हनन मौला का की लेना देना ठीक है कम्यूनिस्ट एमपी है ते ए जिहड़े उगराह हुणी ने इन्हां ने फोटो लैके ताहिर हुसैन दियां ते गैंग दियां जिहड़ा हैगा टुकड़े टुकड़े गैंग साजिद उन्हां दियां फोटो फड़ातियां और महिलावां दे हाथ च वह की कहिंदियां ने जदों पुछया गया कि वह कहिंदियां भी साडी जथेबंदी ने फड़ाईआं ने जथेबंदी कौन कम्यूनिस्ट पार्टी मार्क्सिस्ट लैनिनिस्ट नागी रेडी ग्रुप ते ओ उगराह की कहिंदा इह भी साडी विचारधारा जदों उहनूं पुछया ਇਹ ਕਿਹਾ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਬਈ ਕੀ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਤਾਹਿਰ ਹੁਸੈਨ ਦਿੱਲੀ ਦੰਗਿਆਂ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਛੁਡਵਾ ਕੇ ਕੀ ਮਿਲੂਗਾ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਆ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਤੇ ਅਰਬਨ ਨਕਸਲਾਈਟਸ ਦਾ ਕੰਮ ਆ ਇਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਗਾੜਨੇ ਆ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ 'ਤੇ ਸਵਾਰੀ ਕਰ ਲਈ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭੋਲਾ ਭਾਲਾ ਦੁਖੀ ਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਸਵਾਰੀ ਕਰਵਾ ਲਈ ਹੁਣ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੇ ਵਿਗਾੜਤਾ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਮਾਰ ਦੇਣਗੇ ਸਾਡੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਉਹ ਲੱਖੇ ਸਿਧਾਣੇ ਵਰਗੇ ਵਿਚਾਰੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਕਹਿਣੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਵਿਗਾੜਤਾ ਫਿਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ 800 ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ ਨੇ 760 ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਗੋਰੇ ਆ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 40 ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਲੇ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਦੱਸੋ 40 ਦੀ ਮੰਨੋਗੇ ਜਾਂ 760 ਦੀ ਮੰਨੋਗੇ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਇਹ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਪੜ੍ਹਾਤਾ ਕਿ ਤੇਰੀ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਖੋਲਣੀ ਆ ਜੱਟ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਹੋ ਨਾ ਤੇਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖੋਲਣੀ ਉਹ ਮਰਨ ਵਾਨ 'ਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ ਮਰਨ ਵਾਨ 'ਤੇ ਹੋ ਕੇ ਗਏ ਆ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਆ ਇਹ 5-star 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆ ਉਹ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੱਤਿਆਰੇ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਨ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਮਨਵਾ ਲਓ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੋ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ 2024 ਤੱਕ ਬੈਠਣਾ ਕਾਮਰੇਡ ਕਹਿੰਦੇ ਅਤੇ ਬੈਠ ਜਾਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਦੇਣਗੇ ਅਕਲ ਹੁਣ ਬੈਠੋ ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਠੋ ਕਦੇ ਉਹ ਉਗਰਾਹਾਂ ਬੰਦੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਪਿਆ 10-12 ਹਜ਼ਾਰ ਇਹ ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਕਲੀਨ ਚਲਾਊਗੀ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਣਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਨਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਰਹੂ ਸੜਕ 'ਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਛੇੜਨ ਵਾਲੀ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਲਾਠੀ ਚੱਲਣਾ ਅਤੇ ਨਾ ਡੰਡਾ ਚੱਲਣਾ ਅਤੇ ਨਾ ਗੋਲੀ ਚੱਲਣੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮਸਤੀ ਨਾਲ ਬੈਠੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠਣਾ ਪਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲੜਾਇਆ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਸਾਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ
एक बड़ा मसला किसानी संघर्ष रहा, एक मसला हो गया थोड़े बीजेपी आगुआं नूं जिहड़े टारगेट करके कितना कितने धमकियां आ रही हैं। तीजा एक बड़ा मसला हुण पंजाब दे विच उभरिया होया नवजोत सिंह सिद्धू और कैप्टन विचाले जिहड़ा ट्वीट वॉर होना शुरू हो गया और कैप्टन अमरिंदर सिंह चुनौती देके चैलेंज करते नजर आए ने कि आजा पटियाले तो चोण लड़ रहा है, जमानत तक जब्त हो जूगी। की देखते हो, किस तरह देखते हो हुण सिद्धू की सियासत नूं और कैप्टन ने जिहड़ी आ चुप्पी तोड़ी है इस नूं? वैसे एक चीज मैं कहना, पहली गल तां मैं इनडिसिपलिन जिहड़ा उहदे बहुत खिलाफ हां। जिहड़े संगठन च जिहड़े व्यक्ति च अनुशासन ना होवे, तकलीफ सानू भी साडियां पार्टियां च हुंदी है, सब नूं हुंदी है। कोई इंसान इस धरती ते नहीं आया जिहनूं कोई तकलीफ ना होवे, पर असीं पार्टी दे अंदर गल करी दी है, पार्टी दे बाहर जाके नहीं करी दी। बई तुसीं अखबारां च बोलण लग जाओ, वह तो सड़कों से चलिया गया, पर जिहड़ियां गल्लां वह कह रहा, बई बरगाड़ी गुरु साहब की बेअदबी हुई है, खालसा उन्होंने अपना जागृत गुरु मानता, तो कह के आए हो सत्ता च कि असी इहदी बेअदबी का जिहड़ा हैगा इंसाफ देंगे। इंसाफ तुसी देना कोई नहीं, तुसी तां मिले हुए हो। इन सारिया चीज़ों के जवाब मंगता हूँ कांग्रेस की है, नूरा कुश्ती खेडण लग गई, मीटिंग आदमी है इस पंजाब का, निकम्मा आदमी है पंजाब का, वह की कह रहा मैं रिजाइन करना, करते फिर तैनूं रोकिया किसी ने? इंसाफ तो मिलया नहीं है, हुण सरकार दे रह गए 8 महीने, इंसाफ अगे भी नहीं मिलना, तो तू कहदे लई बैठा सरकार च? क्योंकि लुटमार करनी है, रिजाइन नहीं इन्होंने करना। यह तो लोगों नूं दोबारा जाके फेस दिखाने वास्ते भी असी तो खिलाफ सीगे, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने नहीं किया, यह गल्लां यह करते हैं। बाकी सिद्धू बारे मैं ऐ कहना, सिद्धू कांग्रेस का बेबी है, वह उन्हों हसाउण उन्हों रुलाउण साडा उहदे च कोई मतलब नहीं, ठीक है। तो उन्होंने रखना ज उन्होंने क्ढना, हाँ सिद्धू दे लई साडी पार्टी च कोई जगह नहीं, क्योंकि साडी एक विचारधारा, विचारधारा हैगी युग पुरुष दीन दयाल उपाध्याय ने दिती एकात्म मानव दर्शन, वो की विचारधारा कोई बहुती औखी नहीं है, वह भी दस दिना। असी जिहड़े हजारां वर्कर जां लखां वर्कर जुड़ के बैठते हैं, वह किसी एक नूं प्रधानमंत्री बनाउण लई नहीं, कोई सरकार बनाउण लई नहीं, कोई मुख्यमंत्री बनाउण लई नहीं, उस विचारधारा लई बैठते हैं। वह विचारधारा की है? जिहड़ा आखिरी व्यक्ति है जिहदे सिर ते छत नहीं, जिहदे तन नूं कपड़ा नहीं, जिहदे पेट नूं रोटी नहीं, जदों तक उसका भला नहीं होएगा उदों तक देश का समाज का भला नहीं हो सकता। इहदे लई असीं लगे उहनूं एकात्म मानव दर्शन कहिंदे आ, है बहुत लंबा चौड़ा पर मैं तुहानूं नटशैल च उहदी गल दस्सदी। ते नवजोत सिंह सिद्धू ने साडी विचारधारा नाल जुड़ के आउणा होवे, किसी होर ने आउणा होवे, उन्हां नूं वेलकम आ। पर हुण साडी पार्टी की लीडरशिप जिहड़ी आ उह दलित कोल रहिणी आ, ते नवजोत सिंह सिद्धू दलित दे पिछे लग के जिंदाबाद कर सकदा होवे, उह क्योंकि मुख्यमंत्री बनना चाहुंदा, मुख्यमंत्री नहीं इत्थे हुण बनना, मुख्यमंत्री तां दबे कुचले समाज ने कामगारा ने उन्होंने ही बनना, बीजेपी छोटे छोटे जिहड़े परिवारों च लोग आए आ मेहनत करते आए आ वह बनणगे। और दलित समाज नूं अज तक मान सम्मान नहीं दिता, उन्हां दी संख्या बहुत आ पंजाब च, रेशो दे हिसाब नाल दलित आबादी पंजाब च सब तो बड़ी आबादी रहिंदी है, ते उह जिन्नी जिहदी संख्या भारी उन्नी उहदी भागीदारी। ते बीजेपी ने फैसला जिहड़ा हैगा कि दलित मुख्यमंत्री होगा, तो दलित समाज ने अपने आप ही साडी सरकार लै आउणी है, तो तुसीं देखियो इन्हां दा की हाल होना आ जिहड़े, क्योंकि ये परिवारक दल ने। कैप्टन अमरिंदर सिंह का जिहड़ा कांग्रेस आ ये 27 परिवार ने जिहड़े राज करदे आ, चाहे तुसीं MLA 90 बना लो, उह 27 चों मिनिस्टर 27 चों मुख मिनिस्टर, और उहदे च दलितां दा कोई स्थान नहीं रहिंदा, मिनिस्टर बना देणगे बाकी नहीं पुछदे। यानी सीधे तौर ते कहीए कि 33% जिहड़ी पंजाब दी दलित वोट है उसनूं अपने झोली दे विच पाउण लई बीजेपी दलित कार्ड खेडदी नजर आ रही है। उहनां दा सत्कार ते सन्मान करना उह समाज च नहीं दित्ता लोगां ने उहनां नूं, गुरु नानक देव ने सत्कार सन्मान उहनां दा कीता, भाई लालो दे रूप च कीता, किरती कामे मजदूरां दा, मलिक भागवां दा नहीं कीता। बीजेपी भी उसे गुरु नानक दे विचार नूं मन के इह जिहड़े किरती कामे मजदूर ने उहनां दे हथ सरकार जावे, सिद्धू वर्गियां दे हथ निकम्मियां दे ना जावे। ते बादल परिवार ने एक वधिया करता कि इक्को ही परिवार आ, गिणती करन दी तुहानूं लोड़ नहीं। मैं कहना कि उह डिप्टी मुख्यमंत्री बणाउंदे आ, मुख्यमंत्री क्यों नहीं बणाउंदे? बणाओ, कैप्टन अमरिंदर सिंह भी अनाउंस करे, उह भी करन जिवें असीं कीता, बणाओ। ते फिर वोट बैंक की पॉलिटिक्स थोड़ा हैगी है, ये तो उन्होंने सत्कार सन्मान दे रही है बीजेपी, होर किसी पार्टी ने उन्होंने नहीं देना, और उन्होंने हाथ कलम देनी है बीजेपी ने, असी तो उन्होंने पिछे लग के उन्होंने जिंदाबाद करा। एक बड़ा मसला है पंजाब दे विच आने वाले जिहड़े चोण ने, लेकिन बीजेपी आगुआं नूं जिहड़े थ्रेटन आ रहे हैं उसनूं लैके सीधे तौर पर कह रहे हैं कि आपां जनता दे विच विचरदे रहांगे, सानूं इस तरह की धमकियां तो डर
नहीं लगता। बहरहाल सिद्धू नूं लैके सिद्धू की मंशा दे लैके भी हरजीत ग्रेवाल ने कई वड्डे सवाल चुके ने। वेखण वाली गल रहेगी कि इन्हां दे इस सवालों का सिद्धू और कांग्रेसी धड़ा जिहड़ा किस लहजे दे विच जवाब दिंदा होया नजर आंदा है। वीडियो जर्नलिस्ट कमल दे नाल विनीत कपूर, डेली पोस्ट पंजाबी, चंडीगढ़।